क्वेश्चन आता है अमीबा में द्विखंडन विधि समझाएंगे, तो आपको मैं बताऊं कि अमीबा जो होता है वो अनियमित आकृति का होता है। कैसा होता है? अनियमित आकृति का होता है क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है और बहुत ही प्राथमिक जीव है, तो इसमें लैंगिक जनन तो होगा नहीं, क्योंकि हम आपको पता है कि लैंगिक जनन के लिए अंगों की आवश्यकता होती है जो कि विकसित जंतुओं में पाए जाते हैं, और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें अगर विकसित अंग नहीं पाए जाते हैं तो वहाँ पर अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, जिससे किसी अंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल, अगर आपको ये क्वेश्चन आया कि भाई अमीबा में द्विखंडन विधि आप समझाइए या फिर अमीबा में किस तरह की जनन की विधि होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमीबा में कैसा होता है, द्विखंडन विधि के द्वारा अमीबा अपना जनन करता है। तो अमीबा अनियमित आकृति का होता है, तो इसमें कोई इशू नहीं। अगर इसमें चित्र के माध्यम से समझाने बोला तो आप कोई भी आकृति बना सकते हो, क्योंकि अनियमित आकृति का होता है, एग्जैक्ट इसका कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, बस इसमें आप साइटोप्लाज्म और बीच में केंद्रक बना देंगे, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप को आप इस तरह से करेंगे कि अमीबा के बीच में थोड़ा सा आप एज बनाने की कोशिश करेंगे, गर्त बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने आप को तोड़ता है बीच में से, डाइवर्ट करते बाइफर्केट करने के लिए। फिर आगे चल के केंद्रक है, देखिए अब थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है ताकि वो आधा इधर जाए आधा इधर जाए। अगले स्टेप में आप देखिए तो ये अपने आप को डिवाइड कर लिया होता है, केंद्रक भी और ये वॉल भी, और अगले स्टेप में ये अपने आप को दो भागों में विभक्त कर लेता है। तो एक एक सेल यहाँ आ जाती है, एक सेल यहाँ आ जाती है, इसका जो केंद्रक है वो डिवाइड होके एक केंद्रक इसमें आ जाता है और एक यहाँ आ जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अमीबा अपने आप को दो भागों में विभक्त कर लेता है, इसे हम कहते हैं अमीबा की द्विखंडन विधि। आपको चित्र बनाने के लिए जनरली आता है और बहुत ईजिली आप इसको बना सकते हो, ठीक है।